हाय फ्रेंड्स, टेक मोबाइल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो चलिए आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है MRT डोंगल के ऊपर। MRT सर्विस ऑन हो चुका है, तो कैसे हुआ है और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं MRT डोंगल, बहुत ही ईजिली हम इस MRT को यूज़ कर सकते हैं। अब कोई पेमेंट का ज़रूरत नहीं, कोई एक्टिवेशन का ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और हम आपको लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे। दो फ़ोन को हम इसी MRT से अनलॉक करके दिखाएंगे, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि MRT से हम आप काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि दोस्तों MRT को फेंकना मत। अभी फ़िलहाल सर्विस बंद हुआ है, लेकिन आगे जाके हमें ये काम में आ सकता है। तो दोस्तों, आपके पास अगर MRT डोंगल है तो इजीली आप अनलॉकिंग फ्लैशिंग कर सकते हैं। जो भी टूल से सपोर्ट था वो उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। अब तो MRT को हम कैसे यूज़ करेंगे, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, और हम आपको लाइव टेस्ट भी करके दिखाएंगे। इससे हम अनलॉक कर सकते हैं कि नहीं और सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी टेस्ट करके रखा है, कर लिया है, उसी के बाद ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपको भी हम करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, और इस MRT से हम इस फ़ोन को हम अनलॉक करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, और इस MRT को हम यूज़ में कैसे लेंगे वो चेक करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं PC स्क्रीन पे। ये रहा हमारा फाइल। फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पासवर्ड लगेगा 321, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइल। फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें जो पहले सबसे पहले करना है, यहाँ पे हमें होस्ट फाइल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। तो यहाँ पे यस करने के लिए बोलेगा, तो यस कर देंगे हम। और आगे हम आपको दोस्तों लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे, फ़ोन अनलॉक करके भी दिखाएंगे, अपने PC में भी करके दिखाएंगे, और क्लाइंट के PC में भी करके दिखाएंगे पोर्ट शेयर करके। तो चलिए हम MRT को रन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये अभी हमने MRT कनेक्ट करके नहीं रखा हुआ है, ये अभी डाउनलोड होगा, और अपडेट फाइल जो है वो डाउनलोड होगा 5.52 का। यहाँ पे आपको 5.52 पहले ही नहीं दिखेगा, वो ऑटो डाउनलोड होके सर्वर से तभी इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हमारा 5.52 इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा 5.52 का पॉपअप आ चुका है, देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए अब हम MRT को कनेक्ट करते हैं और टूल को रन करते हैं, देखते हैं सारा टैब ओपन हो रहा है कि नहीं। और हम दो फ़ोन अनलॉक करके भी दिखाएंगे आपको, Redmi Y2 और Redmi 6 को। तो चलिए हमारा कनेक्ट हो चुका है MRT डोंगल, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इवन इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट शो हो चुका है। तो चलिए अब हम मेन सेटअप को रन करते हैं MRT का। देख सकते हैं आई पिक्चर बोल के आ रहा है ये जो MRT डोंगल। तो चलिए हम MRT को रन करते हैं, अभी देखते हैं ये टैब सारे टैब ओपन हो रहा है कि नहीं। तो हमने तो पहले ही चेक कर रखा है दोस्तों, काम कर रहा है, इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको पता चले। अगर आपको पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए होने से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे टैब काम कर रहा है। तो चलिए अब हम एक फ़ोन आपको अनलॉक करके दिखाते हैं। टूल तो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले हम MI का Redmi Y2 को अनलॉक करेंगे। तो Y2 को अगर आप MRT में अनलॉक करते हैं तो आपको यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट करना होगा S2, क्योंकि यहाँ पे आपको Y2 नहीं मिलेगा, सेम CPU है। तो उसका हम MI अकाउंट रिमूव करेंगे।
तो दोस्तों जब हम ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे थे तब हमें नहीं मालूम था कि ये सक्सेसफुली वर्क करेगा, तो पहले ही फ़ोन का वीडियो हमने शूट नहीं किया था, तो कोई ये भी नहीं था कि हम वीडियो शूट करेंगे इसके ऊपर। तो जब देखें कि सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है और काम भी कर रहा है तभी हमने फ़ोन आपको दिखाने का कोशिश की है। तो चलिए इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पोर्ट शो हो चुका है, आइडियल पोर्ट। और अब हम रिमूव करेंगे माय अकाउंट इसमें Y2 में S2 मॉडल सिलेक्ट करके तो स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइम पे जब हमारा फ़ोन सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ था दोस्तों तब हमें लगा कि आपको फ़ोन दिखाना चाहिए, MRT से अनलॉक हो रहा है। तभी हमने ऐसा रिकॉर्ड किया है कि फ़ोन सच में अनलॉक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग नहीं था ये वीडियो बनाने का। जब हमें पता चला कि हाँ अब ये फ़ोन इससे अनलॉक हो रहा है, अब देख सकते हैं लैपटॉप में हमारा MRT कनेक्ट भी है और सेम प्रोसेस दिख रहा है आपको स्क्रीन पे भी, वीडियो पे भी फ़ोन कनेक्टेड है EDL में, देख सकते हैं आप। और हम आपको सक्सेसफुल होने के बाद ऑन करके भी दिखाएंगे और एक MI 6 को भी, Redmi 6 को भी हम अनलॉक करके दिखाएंगे। दोस्तों ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, एकदम कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड करें, और अगर आपके पास डोंगल है तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगा, सक्सेसफुली कंप्लीट बिना एरर के काम सक्सेसफुली करेगा 100%। ये देखिए ये सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, ये आप साइड में ऑन हो रहा है। और चलिए हम Redmi 6 को भी अनलॉक करके आपको दिखाते हैं, जो कि हमने क्लाइंट के PC में जाके पोर्ट शेयर करके किया हुआ है। तो हम क्लाइंट के PC में हैं अभी और ये फ़ोन सेटअप दिखा रहे हैं आपको, सेटिंग्स हुआ है कि नहीं सक्सेसफुल। तो देख सकते हैं वो वाला फ़ोन भी हो चुका है और दूसरा वाला Redmi 6 भी कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ये सिर्फ इसमें FRP था तो FRP हमने अनलॉक किया था और ये भी सक्सेसफुल हुआ है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो आप लोगों को दिखाना ज़रूरी लगा। अगर आप सभी में से किसी को पता नहीं है तो इससे आप MRT यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, किसी भी प्रॉब्लम का सामना